विश्व रक्तदान दिवस पर राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में रक्तदान करने वाली प्रमुख संस्थाओं और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। CDO अंकुर कौशिक ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने दो टूक कहा कि ब्लड बेहद महत्वपूर्ण और अनमोल है, इसका वेस्टेज प्रतिशत कम से कम होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आज विश्व रक्तदान दिवस पर ब्लड बैंक में इतनी गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने आए, ये काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि ये रक्तदान अभियान इसी तरह चलता रहे, यही हमारा आह्वान है। ये बहुत ही नेक और पुण्य कार्य है। रक्तदान का महत्व वही समझता है जो विपरीत परिस्थिति में आपातकालीन दशा में रक्त को प्राप्त करता है। इससे लोगों की जान बचती है और आपको बहुत पुण्य मिलता है। उन्होंने कहा कि ब्लड का जो वेस्टेज है उस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौर करें। मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने ब्लड डोनेट किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने के आधे घंटे के भीतर रक्त अपनी वापस मात्रा में बन जाता है, ऐसे में रक्तदान से डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी को रक्तदान की दिशा में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजकीय स्ववित्त पोषित मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रक्तदान करने वाले संगठन ने हिस्सा लिया, जिसमें शहीद स्मारक सेवा समिति, आजाद समाज सेवा समिति, ग्लोबल हुसैनी मिशन, अंकुरण फाउंडेशन, शहीद वीर अब्दुल हमीद समेत ब्लड बैंक में रक्तदान करने वाले प्रमुख समाज से भी शामिल रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सर्वाधिक रक्तदान करने वाले एवं प्रेरणा जगाने वाले समाज सेवी करतार केशव यादव, डॉक्टर AK सिंह, CDO अंकुर कौशिक, डॉक्टर DS मिश्रा, CMO डॉक्टर DK त्रिपाठी, अभिषेक सिंह, अमन सुल्तानपुरी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मैम, रक्तदान दिवस है आज, इस पे क्या कहना चाहती हैं? विश्व रक्तदान दिवस है आज और इस अवसर पर प्रयास कर रहे हैं NGO के माध्यम से, प्राइवेट लोगों के माध्यम से भी ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को इंकरेज करें, क्योंकि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो है वो बहुत कम परसेंटेज में होता है हमारे पूरे स्टेट में, और जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ब्लड की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, तो एक सप्लाई बनी रहनी चाहिए, जिस वजह से ये प्रयास किया जा रहा है। लगभग 15-20 लोग अब तक जो है अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और ये जो कैंप है अभी चलता रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि 100 से 150 लोग जो है इस कैंप में आएंगे और अपना ब्लड डोनेट करेंगे। मैम, कितनी जगह ये रक्तदान शिविर चल रहा है? लगभग 36 जगहें बताई जा रही हैं जो इस समय चल रहा है, और बाकी शाम तक एक बार डेटा कंपाइलेशन करके शेयर करेंगे। सुल्तानपुर से 944 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें 944 न्यूज चैनल।